साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। एनसीआर की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। लखनऊ और कानपुर समेत इसमें कई जिले शामिल हो सकते हैं, जिसमें यूपी का विकास और तेजी से होगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में विकास का योगी मॉडल, सीएम योगी का विकास को लेकर बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यूपी में बनेगा लखनऊ एससीआर। एससीआर का मतलब स्टेट कैपिटल रीजन। 7 जिलों को मिलाकर यूपी में बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र। लखनऊ, रायबरेली समेत कई जिले होंगे एससीआर के अंग। एससीआर में शामिल जिलों का होगा विकास। एनसीआर की तर्ज पर अब यूपी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने अपने आधिकारिक आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, आवास विकास परिषद और सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर अब राजधानी लखनऊ को भी एससीआर का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को भेज दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं और इलाके हैं, उनको एससीआर के तहत ठीक वैसे ही बनाने की कवायद शुरू हो गई है जैसे दिल्ली एनसीआर है। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के समीप अगर देखें तो बाराबंकी, रायबरेली एवं मोहनलालगंज, बीकेटी, इन सभी इलाकों को जोड़कर और राजधानी लखनऊ को अब एससीआर बनाने की कवायद काफ़ी तेज हो गई है। वहीं अगर बात की जाए तो इसको जो कैपिटल विजन होगा वो राजधानी लखनऊ रहेगा और आसपास के इलाकों में चौमुखी विकास इससे हो सकेंगे। साथ ही साथ अगर देखें तो इससे भू माफियाओं पे एक बड़ी नकेल भी होगी, क्योंकि पूरी ज़मीन पे, पूरा आसपास के जो इलाके हैं उस पे लखनऊ विकास प्राधिकरण का होगा। और अगर देखें तो आमतौर पे सस्ती ज़मीनों को महंगे रेट में जो भू माफिया है वो नहीं बेच सकेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रोजेक्शन को कब तक पूरा किया जाता है, मगर माना यह जा रहा है कि 2031 तक पूरे एनसीआर के तर्ज पे एससीआर का गठन हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने मीटिंग के दौरान कहा कि विभिन्न शहरों के लोग यहां आकर इसे अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं। पड़ोसी जिलों में भी जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा। एससीआर में लखनऊ और उसके आसपास के जिले जैसे उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर जल्द से जल्द विस्तृत कार्य योजना पेश की जाए। वहीं योगी सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने विरोध किया है। सपा प्रवक्ता ने लखनऊ के एनसीआर बनने की कवायद पर बीजेपी पर निशाना साधते तीखा हमला बोला है और कहा कि वाराणसी के क्योटो बन जाने की अपार सफलता के बाद एनसीआर की बहस सगुफा है। 2017 के बाद लखनऊ उसके परिधि में आज तक एक आर्थिक बिजनेस या आईटी हब नहीं बना, तो फिर काहे का एनआरसी है। वाराणसी में क्योटो बनने की अपार सफलता के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का एक नया शगुफा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है लखनऊ को एनसीआर बनाने का। समाजवादी पार्टी ये सवाल करती है कि मुख्यमंत्री योगी जी 2017 के बाद लखनऊ ना इकोनॉमिक हब के मामले में एक कोई इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास लगी, लखनऊ में ना कोई इकोनॉमिक सेक्टर में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, लखनऊ में ना ही कोई आईटी हब का कोई नया वेंचर ने यहाँ कदम रखा। सवाल ये कि 2017 के बाद जब आप पूरे लखनऊ में चाहे कोई बड़े हॉस्पिटल्स हों, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, जब आप नहीं कर पाए,
ये एनसीआर बनने का शगुफा बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारा वाराणसी क्योटो बन चुका है। बता दें कि योगी सरकार 2.0 में लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना हो या फिर प्रदेश की विकास की गति बढ़ाना हो, इन सभी कामों में योगी सरकार अलर्ट नजर आ रही है। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।